चतुर्वेदी जी, नमस्कार। बड़ी खबर। फैकला के डोंगरी इलाके से 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें अब तक 7 लोगों की जाने गई हैं। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 8 लोगों को जे अस्पताल में काफी चिंताजनक स्थिति में बताया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे और लोगों घायलों का जायजा लिया और अच्छे इलाज के लिए वहां पर हिदायत दी, और जितने भी इससे प्रभावित लोग हैं उनको पूरी सहायता पहुंचाई जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अजंता यादव जी जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रही हैं, यहाँ के नगर सेवक भी रही हैं, और उनके जो इस समय हस्बैंड हैं राजपत यादव, वो भी यहाँ के नगर सेवक हैं, कांग्रेस से हैं। पहले भी, इसके पहले जब कांग्रेस के का और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी तो भी बिल्डिंगें गिरती रही हैं और अब भी बिल्डिंगें गिरी है। ऐसा नहीं कि सरकार के परिवर्तन के बाद ही बिल्डिंगें गिरी है, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने इमारत को जर्जर बताया जरूर था, फिर भी वहां पे लोग रह रहे थे। तो इसमें लापरवाही और जिम्मेदारी किसकी मानेंगे आप? आज का जो आपने दुर्घटना देखा, लगातार बिल्डिंग गिर रही है, और आप आज ये प्रश्न कर रहे हो किसकी जवाबदारी है। आज बैठे हुए जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, आज उसकी जवाबदारी है। जो जिस वक्त यहाँ बैठेगा, सत्ता चलाएगा, उसकी जवाबदारी है। बराबर है। आज मुझे पता है कि डीएमसी के जो अधिकारी है वो अगर नोटिस देते हैं तो वो बिल्डिंग खाली क्यों नहीं करा पाते। क्या चीज की कम्युनिकेशन क्या होती है कि ये लोग वहां पे समय नहीं दे पाते, या लोगों को समझाते नहीं है, करने दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते। अगर आप बंदोबस्त करके दोगे लोगों को, तो लोग जरूर जाएंगे। लोगों पे आप अन्याय करके उनको आप हटो तो आगे की नहीं, लेकिन हटना चाहिए। आज जो सरकार है, आज नोटिस देने के बाद बिल्कुल ये सरकार की जवाबदारी है, और ये ढिलाई होने की वजह से ही हम बार बार ये दुर्घटना का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये घटनाएं फेस करेगी कब तक ये चीज चलती रहेगी, कब तक हम निकालते रहेंगे। ये घटना के बाद एक और उनको कड़क से कड़क कदम उठाने चाहिए, और जितनी भी इमारतें, हर बार लिस्ट तो आती है, पेपरों में लिस्ट आती है, आप लिस्ट बनाते हो कि पूरे मुंबई में इतनी बिल्डिंग घोषित की गई है, लेकिन जैसे आपने कहा, घोषित करने के बाद जो व्यवस्था है, जो लोगों को शिफ्ट करने की व्यवस्था, आज एक गरीब इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है, और अगर वो आशियाना टूटने वाला हो तो उसको एक और आशियाना बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसमें प्रशासन ने उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि इसके लिए आप, जो आज की घटना है, इसके लिए आप सबसे पहले जिम्मेदार अगर मानते हैं तो किसको मानते हैं? सबसे पहले जवाबदारी अपनी सीएम फडणवीस जी की है और उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों की है। आज उनकी सिस्टम में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं इन लोगों को ये जो घटना, बारिश जब आती है, मानसून जब आता है, तो इनकी टीम ने अपना पूरी ताकत लगा के हर बिल्डिंग को अच्छा जायजा करके, उनकी इनका टीम वर्क है, टीम का कहीं ना कहीं फेलियर है। इस वजह से सरकार और सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री है और उनकी टीम है, ये तीनों जवाब। मैडम, एक बात आती है कि देखिए, जब बीएमसी किसी इमारत को जर्जर बताती है तो उसमें शिफ्ट किया जाता है, लेकिन यह नहीं पता होता है कि यह कितने दिनों में बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि दहिसर में एक एसबी रोड पे एक इमारत को 5 साल हुए खाली हुए, लेकिन अभी तक 5 साल में उस बिल्डिंग के निर्माण कार्य का कोई पता नहीं है। आखिर कब तक वहां के लोग किराए पर 25-30 हजार किराया दे करके कब तक लोग रहते रहेंगे? क्योंकि जब एसआरए का कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसके तहत तो क्रेरा का प्रावधान आता है, लेकिन जर्जर इमारत के पुनर्निर्माण का काम आता है तो उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो यह भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बिल्डिंगों को नहीं छोड़ने के लिए विवश करता है। बराबर है। मुझे एक बात बताइए कि बीएमसी में जो ममता आयुक्त है, उसके बाद उसके नीचे 4 अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, बराबर है, वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो मुझे बताइए, जब 4 आईएएस ऑफिसर को एक एक जोन दिया जाता है, ईस्टर्न, वेस्टर्न,
सेवन, सबर्बन, ये सारे अलग अलग सिटी, ये सारे चार जोन्स देख रहे हैं। तो ये जो चार आईएएस ऑफिसर जो अपने कमरे में बैठते हैं, अपना कुर्सी पे बैठ के उनका जो पावर है, वो पावर को इस्तेमाल करके ये टीम वर्क क्यों नहीं कर पाते, आईएएस ऑफिसर हम क्यों नियुक्त कर रहे हैं, कि इनके पास एक स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है सही व्यवस्था मिलने के वजह से आज आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति होती है, बराबर। लेकिन मुझे ये खेद है क्योंकि मैं खुद मनपा पे काम कर चुकी हूँ 10-15 साल। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आईएएस ऑफिसर इतना नीचे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते, इनके पास बहुत एटीट्यूड रहता है, ये एटीट्यूड से काम करते हैं। अगर मैं एक डेलीगेशन लेके जाती हूँ उनके पास, तो ये डेलीगेशन के साथ बराबर समय नहीं देते हैं। डेलीगेशन अगर पब्लिक की आती है तो इनको समय नहीं देते, इनका सुनते नहीं है, अपना रूल्स और रेगुलेशन उनपे थोपते हैं और मजबूर कर देते हैं गरीब लोगों को इस दुर्घटना पे। घर कैसे छोड़ेंगे, आपको जब दूसरा घर मिलेगा तो ही आप छोड़ोगे ना, पर ये बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी ये जो पूरी महापालिका की जो टीम है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इनको अब जागरूक होना पड़ेगा, इनकी आंखें खोलनी पड़ेगी और मुंबईकरों को भी एक साथ आना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को ये मुंबईकरों को जागरूक करना चाहती हूँ कि जागो जागो, अब आप जागो, आप बाहर आओ, रोड पे आओ, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी प्रशासन से, तब जाके इनकी आंखें खुलेगी, तब जाके हमारी आखिर पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की है, ब्यूरोक्रेसी लापरवाह है, ब्यूरोक्रेसी जमीनी स्तर। आखिर उनको इतनी सरकार जो सुविधाएं देती है ब्यूरोक्रेसी को, एक आईएएस अधिकारी को, किस लिए देती है? क्योंकि जनता को सही सुविधाएं, सही व्यवस्थाएं पहुंचे। आज एक अतिरिक्त टाइम को गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, गाड़ी भत्ता मिलता है, घर का भी भत्ता मिलता है, हाउस अलार्म। आज वो शान से बंगले में रहता है, नौकरी चाकरे होती है, दरवाजा अपना कार का भी खुद नहीं खोलता, खोलने के लिए भी एक डॉक्टर होता है। तो ये जब उनको सुविधा देती है, जब सरकार इतना पैसा, और हमारा ही पैसा है, पब्लिक का पैसा है, जिसके वजह से वो एक्ट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गरीब जनता इस जगह में कहीं ना कहीं ऐसी दबी हुई है जिसको आपकी जरूरत है। अब अगर ये तो मुंबईकरों को एक साथ होकर काटना पड़ेगा, ये अधिकारों को लेना पड़ेगा, और नहीं तो इनकी सुविधाओं में धक्का और हमका आना बंद करना। जनता को अपना हक छीनना पड़ेगा। आखिर जनता, अगर गरीब जनता है, उनकी समस्याएं नहीं होती तो आईएएस की जरूरत नहीं पड़ती, और जरूरतें हैं इसलिए आईएएस के अधिकारी लोग अपना ऐस भोग रहे हैं और इतना सुख भोग रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, नौकर चाकर रहने के एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन मरते हैं गरीब जनता, गरीब लोग, और उनकी व्यवस्था में ये लोग जो ढिलाई बरते हैं, इनको इनकी सजा मिलनी ही चाहिए। चलिए आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत जानकारियां दी, धन्यवाद। हम आपसे फिर किसी मुद्दे पर आपसे हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं वहां पर जहां पर लोग बचाव कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और वहां पर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है और अभी तक 8 लोगों का इलाज जेजे अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है। अभी भी मलबे में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है, पतली गली है, वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है, फायर ब्रिगेड के गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है, दमकल विभाग के लोगों को वह चीज व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए।